100 करोड़ वैक्सीनेशन पर भाजपा का जश्न, पूर्व सीएम कमलनाथ को मुंह चिढ़ाने किया पोस्टर वार। आपको बता दें कि शहर के रेवांचल बस स्टैंड में आज भारतीय जनता पार्टी की यूथ विंग, भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री गौरव तिवारी के द्वारा देश भर में हुए 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं देने के लिए लगाए गए पोस्टर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की वैक्सीनेशन वाली फोटो लगाई गई है, जिसके बाद अब भाजपा और कांग्रेस वैक्सीनेशन को लेकर आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि 100 करोड़ वैक्सीनेशन होने पर भाजपा ने किया है पोस्टर वार। कोरोना वायरस के संकट काल से बचने के लिए भारत सरकार के द्वारा कोविड-19 की वैक्सीन तैयार की गई, जिसे जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार के द्वारा लगातार कोशिशें की जा रही थी। इस बीच वैक्सीनेशन को लेकर कई बार राजनीतिक गलियारों में भूचाल भी मचा और दोनों सियासी दल आमने सामने भी दिखे, जिसके बाद वाद विवाद के बीच तकरीबन 10 महीने का सफर तय कर कोविड-19 की वैक्सीन ने समूचे देश में 100 करोड़ डोज पूरे किए, जिस पर देश भर में उत्साह का माहौल देखा गया तथा हर जगह 100 करोड़ वैक्सीनेशन के लिए खुशियां मनाई गईं। बताया जा रहा है कि विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने 100 करोड़ वैक्सीनेशन का अध्याय पूरा किया है, मगर इस वैक्सीनेशन अभियान में अब पोस्टर की राजनीति शुरू हो गई है, जिसके बाद अब एक बार फिर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने खड़े हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले कमलनाथ की वैक्सीनेशन वाली तस्वीर लगी होर्डिंग को वीडियो के द्वारा किसी गौरव सिंह सेंगर के द्वारा ट्विटर पर पोस्ट किया गया और लिखा गया कि एमपी के रीवा में 100 करोड़ वैक्सीनेशन होने पर भाजपा नेता गौरव तिवारी ने लगाई विवादित होर्डिंग, जिसके बाद प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया है। कहीं लोग इस पोस्टर को विवादित कर रहे हैं तो कहीं लोग इस पोस्टर को लेकर मजाक उड़ा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस पोस्टर वार को लेकर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। दरअसल पोस्टर राजनीति की शुरुआत रीवा से हुई, जहां 100 करोड़ वैक्सीनेशन पूरे होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जा रही शुभकामनाओं में बीजेपी नेता गौरव तिवारी के द्वारा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तथा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की वैक्सीनेशन वाली फोटो पोस्टर पर लगा दी गई। कमलनाथ की फोटो वाली ये पोस्टर शहर के बीचों बीच रेवांचल बस स्टैंड के सामने लगाया गया है, जिसके बाद अब भाजपा और कांग्रेस आमने सामने देखे जा सकते हैं। प्रस्तुत है इस संबंध में गौरव तिवारी से प्राप्त जानकारी के अंश। कमलनाथ जी का पोस्टर नहीं लगाया गया है, वैक्सीनेशन जो 100 करोड़ हुआ है देश में मोदी जी के नेतृत्व में, उसका पोस्टर लगा है जिसमें कमलनाथ जी की फोटो जरूर है। और इसका उद्देश्य मात्र ये था कि जहाँ कांग्रेस पिछले कई महीनों से रोती आ रही थी कि जिस तरह से वैक्सीनेशन की रफ्तार है वो 10 साल भी लग जाएंगे इसको पूरे होते होते, और पूरे तो डोज होते होते कई और साल लग जाएंगे, कुछ करोड़ डोज भी नहीं दे पाएंगी ये 5-6 सालों में। और मात्र कुछ महीनों में ही नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से वैक्सीनेशन की स्पीड हुई और 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया, बिल गेट्स जैसे लोगों तक ने सराहा है उनको, और हमारे जो वॉलेंटियर्स थे, पुलिसकर्मी थे, स्वास्थ्यकर्मी थे, कोरोना वॉरियर्स थे, उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, उसको न सराहते हुए कांग्रेस दिल्ली हो, भोपाल हो, जिले में हो, कहीं भी हो, केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रोती आ रही है। और अभी जैसे ये हुआ है, ये आने लगा है कि वैक्सीनेशन विदेश भेज दिए, नहीं तो और पहले हो जाता। राहुल गांधी जी को भी समझ में आना चाहिए था कि कोरोना जैसी महामारी से हमारी सरकार लड़ रही है, विपक्ष हो आप, आपको साथ देना चाहिए। उन्होंने साथ देने की बजाय केवल कोसते रहे और रोकने की कोशिश की, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस कौशलता के साथ इसको पूर्ण किया है वो काबिले तारीफ है। इसीलिए केवल ये उद्देश्य था हमारा बताना, और कुछ नहीं। वैक्सीनेशन को शुरू से ही पर्व के तौर पर लिया जा रहा है बीजेपी और सरकार के द्वारा, कांग्रेस ने हमेशा इसको टिप्पणी की। मैं वही तो बोला मैंने आपको कि भाई कांग्रेस चाहती ही नहीं है कि कोई सरकार अगर अच्छा काम कर रही है तो उस पर कुछ सकारात्मक टिप्पणी करे, उसको तो केवल विरोध करना है।